नौकरी का झांसा देकर करता रहा रेप। यूपी के योगी राज में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां एक युवक ने पुलिस में भर्ती कराने का झांसा देकर युवती से बलात्कार कर डाला। यही नहीं, रेप का वीडियो वो फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर कई बार युवती से रेप किया और अब युवती की अश्लील फोटो व वीडियो वायरल कर दी। पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी ने मामला दर्ज कर कार्यवाही का दावा किया है। बुलंदशहर के एसएसपी एन कोलांची की चौखट पर न्याय के लिए खड़ी ये है नरसेना थाना क्षेत्र के रेप पीड़ित युवती, जिसका आरोप है कि जनवरी में बुगरासी के युवक अरविंद पुलिस भर्ती दिलाने अलीगढ़ ले गया और वहां उसके साथ मारपीट कर दुराचार किया। आरोप है कि युवती के आरोपी ने अश्लील फोटो वीडियो बना डाली और युवती को अश्लील फोटो वीडियो दिखाकर उसके साथ रेप करता रहा। किसी को भी मामले की जानकारी देने पर उसके भाई की हत्या करने की धमकी देने लगा। पीड़ित की माने तो आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। अब पीड़िता एसएसपी से न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस की माने तो पहले मामला मारपीट का था, मगर अब पीड़िता की शिकायत पर मामले को एसटीएससी एक्ट रेप की धाराओं की वृद्धि कर मामले की कार्यवाही की जा रही है। मेरे साथ बलात्कार हुआ। किस तरह से पूरी घटना को बताइए, बताओ पूरी बात। मुझे नौकरी का लालच देखा, नौकरी का लालच में नौकरी में तेरा फॉर्म भरवाऊंगा। उसने मेरा फॉर्म भरवाया, फॉर्म भरवाने के बाद मुझे पेपर दिलाने के लिए ले गया। पेपर दिलाने के बाद फिर उसने एक दिन पहले 26 तारीख कहाँ से ले गया ना, सेटिंग करनी मुझे, वहाँ पर कमरा लिया। कमरा ले जाने के बाद वहाँ पर मेरे साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद फिर बोला कि उसने ये बात तो किसी को बताएगी ना तो तेरा जाना बुरा हाल हो जाएगा। तेरे सारे फोटो वोटो जो तेरा व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। व्हाट्सएप पर उसने बात को डाली थी, मुझे धमकी दी थी, मेरे भाई को सबको परिवार वालों को सबको धमकी दी थी मैं तेरा बलात्कार कर दूंगा। मेरा एक छोटा भाई है, उसकी धमकी दी कि मैं तेरा भाई को कत्ल कर दूंगा बिल्कुल। 10 तारीख को क्या हुआ बताओ। फिर 10 तारीख को फिर ये हुआ कि मैं काम पे गई, खेत पे जाकर सम्मल के बैगनों पर गई। वहाँ पे फिर कमल के बैगनों पर फोन करा, फोन करके फिर बोला कि लो तू घर को आ जा। फोटो कहाँ डाले गए आपके? अब फेसबुक पे डाले गए थे फोटो। कब फोटो लिए गए थे? वो फोटो तो 10 तारीख को डाले थे। जिस दिन लिए कब गए थे? अलीगढ़ में लिए गए थे वो 26 तारीख को पेपर देने के लिए गई। अब आप कप्तान से मिली हैं, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? क्या वो आरोपी गिरफ्तार हो पाया जिसने ये किया आपके साथ? जी अभी नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार हो गया है। अभी रिपोर्ट भी दर्ज क्या कर रही है पुलिस ने? कुछ नहीं कहा एसएसपी कप्तान के पास। क्या हुआ है जी? हमारी बच्ची को स्कूल जाती थी हमारी बच्ची, इसके साथ में जान पहचान बनाने के बाद में इसको जो प्रलोभन दिया गया कि मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा टाइम है जी, इसके पुलिस में इसकी नौकरी लगवा दूंगा मैं। और इसने इस बात को कभी घर वालों को भी नहीं बताया और इस लड़की का फार्म उस लड़के ने भरवाया गया। भरवाने के बाद में इसे जो है वो अलीगढ़ लेके गया इसके क्या नाम है तहत दिलवाने के लिए, और वहाँ पर इसके साथ में ये शोषण किया गया है, इसका बलात्कार किया गया है। और उस दिन से लेकर आज तक कई बार इसके साथ लड़की के साथ बलात्कार कर चुका है वो, उसको धमकी दे देकर कि तेरे एक भाई है उसको जान से मार दूंगा मैं और तेरे माँ बाप को भी मार दूंगा। और इसकी जो वीडियो बनाई थी इसने अलीगढ़ में, उस वीडियो को कि भाई इसे मैं फेसबुक पर डाल दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा अगर किसी भी को बताया तूने इस तरीके से। इसके बाद में एक घटना हुई है, अभी कल परसों जो घटना हुई है, खेत पर संबन के खेत पर काम कर रही थी ये हमारी भतीजी, तो वहां पर इसको फोन करके बुलाया, ये नहीं आई तो वहीं पर खेत तक पहुंचाया दारू पी करके और इसके साथ में वहां पर खींचतानी की और इसके साथ मारपीट की है। इसके बाद में जब हम लोगों को पता चलता है तो उसके बाद में हमने जो चौकी रिपोर्ट की, रिपोर्ट करने के बाद में वहां पर हमें पहले इसके साथ में जो दुर्व्यवहार चल रहा उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी और हमने जो सीधी शादी तहरीर दे दी कि भाई इसके साथ हाथापाई हुई है। लेकिन उसके बाद में जब उसने फोटो फेसबुक पर डाले हैं उसके बाद में हमें सारी घटना का पता चला और हमने जब अपनी बेटी से ये जानकारी करी कि भाई ये क्या मैटर है, तो इस लड़की ने हमारी बच्ची ने सारी घटना बताई कि मेरे साथ इतने दिन से पुलिस क्या कर रही है। पुलिस ने सर अभी हम जब बुरासी हम गए उसने रिपोर्ट की तो उस पर वो जो 154 चालान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बताया कि हमारी बेटी के साथ तो इस तरह का माहौल चल रहा है, वो लोग हम पर प्रेशर बना रहे हैं कि इसको आप फैसला कर लीजिएगा। कल हम दर्शन गए तो दर्शन उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। कौन फैसला का दबाव बना रहा है जी वहां से? कहना पुलिस वाले हमारे पास में कई दफा गए हैं कि आप ये फैसला कर लीजिए, और लोग भी उक्त लोग जो उनके साथ में लगे हुए हैं जो उनके समाज से हैं वो लोग हमसे फैसले की जबरदस्ती कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो जी? उन्हीं के हाँ दबंग लोग हैं वो लोग।
अच्छा अच्छा, ये बताइए आप कप्तान से मिले हैं, कप्तान ने क्या आपको आश्वासन दिया है? जी अभी तो उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि ठीक है, इसमें कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज नहीं हुआ आपका? अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई सही तरीके से। रिपोर्ट दर्ज हुई है? नहीं हुई है। रिपोर्ट हमारी अभी दर्ज नहीं हुई सर। बुगरासी इलाके में एक युवती के साथ पुलिस में नौकरी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया और ब्लैकमेलिंग का मामला भी सामने आया, उसके बाद उसकी जो फोटो थी वो फेसबुक पर वायरल की गई है, क्या पूरा प्रकरण है ये और सर क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है इसमें? इस संबंध में पहले पीड़िता और उसके परिवारजनों द्वारा एक एप्लीकेशन थाना सेना पे दी गई थी, तो उस समय छेड़छाड़ की बात बताई गई थी, तो उसके संबंध में 354 IPC का अभियोग और SC ST एक्ट की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया था थाना नरसेना पर। आज जो प्रकरण आया है इसमें उन्होंने ये बताया उसकी फोटो वायरल कर दी गई है, इस चीज को भी विवेचना में सम्मिलित किया जा रहा है और इसके आधार पर जो धाराएं उसमें बढ़ेंगी वो IO के द्वारा बढ़ाया जाएगा। CO सेना से मेरी बात हो गई है और विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है जो पुलिस भी है सर वो भी दबंगों का पक्ष लेते हुए उन पर दबाव बना रही है फैसले का, तो सर ये चीज तो संज्ञान में नहीं आई है। मेरी क्षेत्राधिकारी सियाना से बात हुई है, वो स्वतः कह रहे थे कि अभी तक 161 IPC का बयान के लिए बुलाया गया था, पीड़िता उपस्थित नहीं हुई है, जैसे ही उपस्थित होती है या जहां भी उसके घर जाकर के बयान अंकित करेंगे, बयान अंकित करने के पश्चात उसमें कार्रवाई करेंगे, पुलिस की तरफ से कोई दबाव नहीं रहेगा किसी पर।